कि एक फिगर है, एक फिगर के अंदर सॉलिड ग्लास स्फीयर है, एक ग्लास स्फीयर का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर रेडियस है, हैज़ अ स्मॉल एयर बबल ओ ट्रैप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो इसके सेंटर से 2 सेंटीमीटर दूर एक बबल ट्रैप्ड है, फंस गया है, कहाँ से, सेंटर से, तो इसके सेंटर से 2 सेंटीमीटर पे ये बबल है और बबल आपका ऑब्जेक्ट है। आगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ द ग्लास इज 1.5, तो म्यू की वैल्यू इसमें 1.5 है। फाइंड द एपरेंट पोजीशन ऑफ द बबल, बबल मेरे को कहाँ दिखाई देगा, फाइंड द एपरेंट पोजीशन ऑफ द बबल, वेयर विल इट अपियर व्हेन सीन थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द साइड आउटसाइड पॉइंट ई, ई का मतलब है आंख, आई, आई देखना चाहती है इस बबल को, तो स्फेरिकल सरफेस के डिस्टेंसेस कहाँ से लिए जाते हैं, पोल से, पोल कहाँ बनेगा, ये पोल, पोल दो हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, पर हम ये लेंगे जो आई के करीब बना हुआ है, तो ये आपका पोल आ गया, क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपका पोल है। अब इसके अंदर क्या है, ये पोल है, ये आपके पास क्या है, रेडियस है जो कि 5 सेंटीमीटर है। अगर मैं ये पूछूं कि ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट यहां पर ये 5 है और ये क्वेश्चन में 2 गिवन है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, 3 है, क्योंकि हम सारे डिस्टेंसेस कहां से लेते हैं, फ्रॉम पोल लेते हैं, तो पोल से ये डिस्टेंस कितना है, 3 है। अब सिर्फ ये बताओ कि ऑब्जेक्ट पड़ा कहां पर हुआ है, यहां पर, एंड दिस इज अ डेंसर मीडियम, और एक मैंने शॉर्टकट लास्ट टाइम बताया था, अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में पड़ा है, रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलती हैं और आंख में जाती हैं, तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन विल बी फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, और अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयरर में पड़ा हुआ है, तो यानी कि रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, ये याद रखना, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में है, रे डायग्राम आपको बनाना भी नहीं है और गिवन भी नहीं होगा और चाहिए भी नहीं है, आप सिर्फ वैल्यूज के साथ खेलें, U आपको पता लग चुका है कितना, 3 है, U 3 है, अब क्योंकि रेज ऑब्जेक्ट से निकल के जाएंगी तो लेफ्ट की तरफ आंख में जाएंगी, तो रेज इधर जा रही हैं और आप पोल से इधर का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो U तो नेगेटिव है, और वैसे भी U तो हमेशा नेगेटिव होता ही है, तो U इसमें नेगेटिव है, जो कि मुझे पता लग गया कितना है, -3 है। रेडियस तो इसकी शक्ल बता रही है, रेडियस राइट की तरफ है, कितना प्लस, रेडियस राइट की तरफ है, तो यहां पर क्या आएगा, -5, क्योंकि मेरी रेज ऑब्जेक्ट से निकल के इधर लेफ्ट की तरफ आ रही है और सेंटर मेरा राइट है, तो यहां पर क्या बनेगा, -5। छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो μ2 μ1 भी क्वेश्चन में गिवन है, बड़े वाले की वैल्यू μ2 है, छोटे वाले की वैल्यू μ1 है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा है, ग्लास में, डेंसर मीडियम में, तो आपकी रेज कहां आएंगी, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो फॉर्मूला किसका लगेगा, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर का फॉर्मूला हमने किया हुआ है, इसमें म्यू वन मुझे पता है, छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, म्यू टू मुझे पता है, यू मुझे पता है -3 है, आर की वैल्यू मुझे पता है -5 है, वो कह रहे इमेज कहां बनेगी, अब सारी वैल्यूज को यहां पुट करें, म्यू वन को, म्यू टू को, आर को, यू को, विद साइन कन्वेंशन पुट करें, बस जो निकालना है उसमें साइन कन्वेंशन पुट ना करें, उसमें मत पुट करना, चाहे तुम्हें पता भी है कि वर्चुअल इमेज है रियल इमेज है, मत पुट करना, वो विद साइन कन्वेंशन ही आएगा, तो 2-3 चीज़ें गिवन होती हैं, 3 चीज़ें की इन्वॉल्वमेंट है, यू, वी और आर, 2 की साइन कन्वेंशन पुट करनी है, तीसरी अपने आप आएगी, तो वी अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज है ऑन द सेम साइड है, तो यू अगर नेगेटिव है, यू अगर नेगेटिव है, इमेज भी 2.5 डिस्टेंस पे है, अगर बाई चांस वो बोल दे रे डायग्राम बनाओ, तो बना देना, एक रे यहाँ से पास करना, रिफ्रैक्शन 2.5 इम पे इमेज ड्रॉ कर देना, पूछेगा नहीं रे डायग्राम, पर कभी भी रे डायग्राम डायरेक्ट कभी नहीं बनते, पहले न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, उसके बाद रे डायग्राम बनते हैं, क्या ये पॉइंट यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक, तो ये आपके पास क्या आ गया, वी की वैल्यू आएगी। कई लोग ये पूछते हैं कि सर एक बात समझ में नहीं आई, कि हमने डेरिवेशंस के टाइम पे साइन कन्वेंशंस लगाई थी और अब हम न्यूमेरिकल के अंदर भी साइन कन्वेंशन लगा रहे हो, एक यू आपने वहां नेगेटिव कर दिया, एक आप न्यूमेरिकल में यू नेगेटिव कर रहे हो, तो ये तो फिर अफेक्ट कैंसिल हो गया ना, ये क्या बात बनी, एक जगह लगाओ, जब एक बार लग गई तो फॉर्मूले में क्यों लगा रहे हो, तो इसका आंसर क्या है, जब रेयरर टू डेंसर के 3 केस किए,
अब चांस की बात है, फॉर्मूला भी सबका क्या आ गया, सेम आ गया। अगर फॉर्मूले तीनों के सेम आ गए, अब कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि कौन सा केस है? फिर तो एक ही, सारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एक ही आंसर आएगा, चाहे कंकेव चाहे कन्वेक्स। इसलिए क्योंकि फॉर्मूला सेम आया, तो आपको फिर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या लगानी पड़ती है, साइन कन्वेंशन। क्लियर है? तो न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन लगेगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन पहले करते हैं, ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर। ऑब्जेक्ट कहां पर है? एयर। एयर इज अ रेयरर मीडियम, तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। ये लाइन ही आपको बता रही है रेयरर टू डेंसर। पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा नेगेटिव है, तो यू तो हमेशा नेगेटिव है। कौन सा केस है? कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब कनकेव में मैंने आपको दो ही केस करवाए हैं, एक रेयर टू डेंसर का, एक डेंसर टू रेयर का। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट किस में पड़ा हुआ है? रेयर में, तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो आप अपना डायग्राम चेक कर सकते हैं, कनकेव में रेयर टू डेंसर में यू नेगेटिव था, वी नेगेटिव था, आर भी नेगेटिव था। चेक कर लो अपनी कॉपी, मेरे को याद है केस, यू नेगेटिव है, वी नेगेटिव है, आर नेगेटिव है। चेक करो, यही है रेयर टू डेंसर कनकेव में। चेक करो, यू और वी तो पक्का ही नेगेटिव है, वो तो वर्चुअल इमेज है, वो तो बात ही खत्म। आर भी नेगेटिव है, कन्वेक्स में आर पॉजिटिव है, कनकेव में आर नेगेटिव था। चेक करो, तो मैं क्वेश्चन क्या पढ़ना, मेरे को तो सारी साइन कन्वेंशन याद ही है, ये देख लो। तो करना क्या है, यू नेगेटिव है, आर तो पक्का ही नेगेटिव है, मैंने बता दिया आपको, आपने केस आइडेंटिफाई कर लिया। छोटे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, और बड़े वाली वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करना है, बाय म्यू टू। नेक्स्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट एयर में पड़ा हुआ है, तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला लगा लो, यू पता है, आर पता है, दोनों में साइन कन्वेंशन पुट कर दो। आपको तो ये भी पता है कि वी नेगेटिव आएगा, पर शो मत करना, जो चीज निकालनी है उसमें मत करना साइन कन्वेंशन पुट, उसमें ऐसी रखना, सॉल्व करके भी अपने आप नेगेटिव आएगा। इसका मतलब कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो वी और यू दोनों सेम साइन पे है, इसका मतलब इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या क्वेश्चन है? कनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब याद करो, कनकेव के कितने केस किए हमने? सिर्फ दो, दोनों के दोनों वर्चुअल के केस थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, इमर्ज इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। इनमें से जो भी छोटा है वो म्यू वन है, इनमें से जो भी बड़ा है वो म्यू टू है। तो इसमें म्यू वन छोटा है और 4/3 छोटा है, 3/2 बड़ा है, तो ये म्यू टू और ये म्यू वन हो गया। नेक्स्ट है, इफ पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज इन वॉटर। अब जो वॉटर है, वॉटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। 4/3 तो छोटा है 3/2 से, तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, क्योंकि वॉटर रेयरर है, ऑब्जेक्ट रेयरर में पड़ा हुआ है, तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? तो आपकी रिफ्रैक्शन कहां पर होगी? रेयरर टू डेंसर। आपने सिर्फ ये देखना है कि ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है? वॉटर, जो कि रेयरर है, तो रेयर टू डेंसर लगा लो, तो रेयर टू डेंसर हो गया। अब याद करो अपने केस सारे, रेयर टू डेंसर में कनकेव में क्या किया था? यू नेगेटिव था, वी नेगेटिव था, आर भी नेगेटिव था। तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत क्या है? केस ही आइडेंटिफाई करना है, यू नेगेटिव है,
आर नेगेटिव है, वैल्यू तो रेडियस की पता ही है, वो तो ये देखना होता है कि साइन कन्वेंशन के, और म्यू वन म्यू टू पता है, वी निकाल लें, फॉर्मूला किसका लगेगा, रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर के फॉर्मूले में म्यू वन म्यू टू पुट करो, यू की वैल्यू विद साइन कन्वेंशन पुट करो, आर विद साइन कन्वेंशन पुट करो, सॉल्व करके वी निकाल लेना, वी ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही आएगा और आना भी नेगेटिव चाहिए क्योंकि कनकेव हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, एक बस ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है बस, और साइन कन्वेंशन मैंने आपको लास्ट टाइम हर केस में बना के दी हुई है, वो माइंड में रखनी है और आंसर आएगा, ठीक है यहाँ तक। जैसे ये क्वेश्चन है, एक डम्बल है उसकी लंबाई पता है जो मुझे चाहिए नहीं है, पर वो ग्लास का बना हुआ है और वो कह रहा है कि इसमें म्यू 1.5 है, तो बाहर म्यू 1 है, अंदर 1.5 है, छोटे वाला म्यू 1 है, बड़े वाला म्यू 2 है, तो म्यू 1 म्यू 2 पता लग गया, 1 और 1.5। कह रहे 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसका रेडियस राइट की तरफ है और इसका रेडियस है कितना, 3 सेंटीमीटर है। वो कह रहे हैं कि इसमें पोजीशन ऑफ द इमेज बताओ क्या होगी, इमेज कहाँ बनेगी अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है, 12 सेंटीमीटर इन एयर, तो ये पोल बन जाएगा इसका, इस पोल के 12 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है कहाँ पर, एयर में, तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्योंकि ऑब्जेक्ट रेयरर में है तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, फॉर्मूला पता लग गया। डायग्राम को छोड़ो, डायग्राम नहीं गिवन होगा आपको, बनाना मैं सिखा दूंगा, डायग्राम हमेशा बाद में बनते हैं, पहले न्यूमेरिकल होता है, तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, म्यू वन म्यू टू पता है, यू तो सदा ही नेगेटिव है, तो इसका पोल मानते हुए यू कितने, -12, तो वी निकाल लो, और आर इसमें पॉजिटिव है, शक्ल बता रही है कि इसका कर्वेचर राइट है और रेज ऑब्जेक्ट से अंदर एंटर करेंगी रेयर टू डेंसर में, तो आपकी इमेज भी, आपका रेडियस भी राइट है, तो देखो यू पता है -12, आर पता है +3 राइट की तरफ है, म्यू वन म्यू टू पता है, ऑब्जेक्ट एयर में है तो यानी कि रेयरर में है, रेयर डेंसर, तो रेयरर टू डेंसर का फॉर्मूला लगा लो, इसमें वी निकालना है, सिर्फ वी में साइन कन्वेंशन पुट ना करो, बाकी सब में पुट करो, वी इसमें पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब वी कहां पर बनेगा, ऑन दी अदर साइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18, और हो सकता है वो आपको कोई रे डायग्राम बनाए बनाओ, तो रे डायग्राम में यहां से रेज निकाल के यहां मिला देना तो रियल इमेज बन गई। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, रे डायग्राम तो खैर आए ना आए पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि किस कॉन्सेप्ट से चलेगा ये सारा। ये क्वेश्चन जो ऊपर छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं, जरा इसे एक बार देखें,
देखो क्वेश्चन है, स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, स्फेरिकल सरफेस है, सेपरेट्स एयर फ्रॉम ग्लास। तो एक एयर है और एक ग्लास है, छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का म्यू वन वन है और म्यू टू 1.5 है, तो म्यू वन म्यू टू पता लग गया। डायग्राम नहीं चाहिए मुझे, बस स्फेयर बना दोगे तो भी चलेगा। अब वो कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज इन ग्लास दिख रहा है मुझे, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज पी इज प्लेस इन साइड द एयर, पॉइंट ऑब्जेक्ट को एयर में रखा यानी कि रेयरर में रखा, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। फॉर्मूला पता लग गया, म्यू वन पता लग गया, म्यू टू पता लग गया, रेयरर टू डेंसर का फॉर्मूला पता लग गया। यू तो सदा ही नेगेटिव है, तो इसके अंदर वो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, वहाँ रखा ताकि वो रियल इमेज बनाए। अब ये भी पता लग गया रियल इमेज है, इसका मतलब यू नेगेटिव है और वी पॉजिटिव है, क्योंकि रियल इमेज तो अदर साइड पे बनती है, सेम साइड पे तो वर्चुअल बनती है, तो इसका मतलब इमेज ऑन दी अदर साइड बनेगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये यहाँ पे बनती है इमेज क्यू पॉइंट पर, सच दैट ये लाइन कट कर रही है ओ पे से और पीओ ओ क्यू के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन। अब पीओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ओ क्यू का मतलब क्या है, इमेज का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट का और इमेज का डिस्टेंस बराबर है। तो इमेज ऐसे बन रही है कि ऑब्जेक्ट का और इमेज का डिस्टेंस बराबर है, आपको ये बताना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कितना। अब रूल नंबर वन, मुझे ये पता है कि रिफ्रैक्शन कहां से कहां है, रेयरर टू डेंसर, मुझे म्यू वन म्यू टू भी पता है। अब यू और वी दोनों नहीं पता, तो एक मान लेते हैं कि यू एक्स डिस्टेंस पे है तो इमेज भी एक्स डिस्टेंस पे है, तो यू अगर माइनस एक्स है तो इमेज प्लस एक्स है, तो आप रेयरर टू डेंसर के फॉर्मूले में यू को माइनस एक्स, वी को प्लस एक्स, आर को आर रखेंगे तो आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा 5R। तो ऑब्जेक्ट यानी कि कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है, 5R, और इमेज भी कितनी दूरी पे बनेगी, 5R। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका। इसमें सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना है कि रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर, आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है। म्यू वन म्यू टू बड़े छोटे पता लग जाता है, यू तो सदा ही नेगेटिव है, रह के आ गया कुछ भी नहीं, आर देखना होता है कि पॉजिटिव की नेगेटिव है, सही है। नेक्स्ट, जैसे इसके अंदर ये क्वेश्चन गिवन है, ये वाला, इस क्वेश्चन को देखें, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक पॉइंट को समझ लो। पॉइंट ये है कि ये आपके पास सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा एक्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पेन है, तुमने इसके ऊपर एक डेंसर मीडियम रख दिया और जब तुमने इसको देखा तो तुम्हें ये यहाँ पे नहीं दिखा, तुम्हें ये यहाँ पे दिखा। जैसे कॉइन ऊपर दिखता है तो डेंसर मीडियम रखने से पोजीशन चेंज हो जाती है, रियल डेप्थ से अपरेंट डेप्थ हो जाती है, तो तुम्हारे डेंसर मीडियम ने इसको यहाँ की बजाय यहाँ दिखा दिया, तो मैंने बोला ये इसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। अब तुम्हें ये पेन यहाँ दिख ही नहीं रहा, तुम्हें तो यहाँ दिख रहा है, तुमने एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दिया आगे, अब उसने क्या किया, इसने इसको उठा के और यहाँ कर दिया, अब तुम्हें तो फाइनली यही दिख रहा है। एक्चुअल में पेन यहाँ पड़ा था, पहले मीडियम ने इसको उठा के यहाँ कर दिया, दूसरे मीडियम और पहले मीडियम ने उठा के इसको यहां कर दिया, सही है। तो आप ये देखो कि अगर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और आपने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे रखा, तो आपको इमेज कहां पे दिख रही है, इसकी यहां पे दिख रही है आई। तुमने एक और मीडियम रख दिया तो अब आपको इमेज आई की जगह कहां दिख रही है, आई डैश पे दिख रही है।
अब मेन बात समझने वाली ये है कि जब तुमने सिर्फ एक ही स्लैब को रखा था तो उसके लिए ये रियल ऑब्जेक्ट है और इसकी रियल इमेज है, ऑब्जेक्ट ने इमेज बना दी। पर जब तुमने एक और स्लैब को रखा और फिर तुमने इसको देखा, क्योंकि ये तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा था, तुमने इसको देखा तो इसने इमेज को यहां शिफ्ट कर दिया आई डैश, तो इसका मतलब इस स्लैब के लिए ये क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये क्या बना रहा है, इसकी इमेज। इस स्लैब के लिए वो ऑब्जेक्ट है, आई इमेज है, इस स्लैब के लिए आई इमेज है और आई ऑब्जेक्ट है, आई डैश इसकी फर्दर इमेज है। लेकिन कोई कहेगा सर ये ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, ये तो इमेज थी, पर उसके लिए तो ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो जब भी कोई ग्लास इमेज को ऑब्जेक्ट मान के नई इमेज शिफ्ट करता है तो उस ग्लास के लिए वो ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। असली ऑब्जेक्ट तो एक ही है, रियल ऑब्जेक्ट तो एक ही है, पर इसने इसकी इमेज को ऑब्जेक्ट मान के शिफ्ट किया तो इसके लिए ये इसका ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्लियर है यहां तक? अब इस बात को समझते हैं, देखो कैसे। आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि ना रेज आ रही थी पीछे से, पीछे से रेज आ रही है कुछ ऐसे। अब रेज आती कहां से है, ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहीं पड़ा होगा इन्फिनिटी पे, मुझे पता ही नहीं, एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं उसने, होगा कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, वहां से रेज आ रही थी, वहां से रेज आती 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 सीधी यहां पे मिल रही थी, बात खत्म, सी पे मिल रही थी, बात खत्म थी, ठीक है, खत्म हो गई। पर तुमने बीच में एक चक्कर डाल दिया, तुमने एक स्फेयर बीच में डाल दिया, और कौन सा, ग्लास का स्फेयर। इस ग्लास के स्फेयर ने क्या कर दी, रास्ते में उस लाइट को बेंड कर दिया, रिफ्रैक्शन कर दी। तो ग्लास के स्फेयर ने यहां पर क्या की, रिफ्रैक्शन की, और लाइट जो अच्छी भली यहां पे मिल रही थी, अब मुझे पता नहीं कहां मिली, डायग्राम में गिवन है, पर वो पूछ रहे कि ग्लास स्लैब रखते ही या ग्लास स्फेयर रखते ही ये कहां मिली, ये बताओ, इसका फाइनल डायग्राम क्या बनेगा। क्वेश्चन समझ में आया, ये क्यों बेंड हुई, अच्छी भली सी पे मिली रही थी, पर इस ग्लास ने क्या किया, रिफ्रैक्ट करके सी को उठा के शिफ्ट कर दिया। तो ग्लास स्लैब के लिए सी क्या माना जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये तो एक्चुअल में इमेज है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो मुझे पता ही नहीं कहां है, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट ने क्या बनाई यहां पर, इमेज, और इस ग्लास स्लैब ने इसकी इमेज को क्या कर दिया, शिफ्ट। तो ये क्या बनेगा, इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली तो इमेज को शिफ्ट कर रहा है, कोई डाउट इसमें, ये रूल समझ में आ रहे हैं यहां तक, सही है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहली चीज जो ग्लास स्लैब है उसका ये जो जो डिस्टेंस है ये 15 गिवन है, टोटल डिस्टेंस आपको 30 गिवन है, तो डायमीटर ग्लास स्लैब का 15 है पता लग रहा है, और रेडियस 15/2 पता लग रहा है। ये बताओ रिफ्रैक्शन किस सरफेस पे हुई पहले, पहली सरफेस पे ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की रिफ्रैक्शन कैसे हो रही है, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, क्योंकि लाइट कैसे एंटर कर रही है यहां पर, रेयरर से सीधा किसमें एंटर कर रही है, डेंसर। तो इस सरफेस के लिए अगर मैं इसे पोल मान लूं, अब फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल तो यही है, इस पोल के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, वो ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसको शिफ्ट करना है इसने। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, +30, इंपॉर्टेंट। वैसे यू हमेशा नेगेटिव होता है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए यू हमेशा ही नेगेटिव है, पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू पॉजिटिव है। मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि ये सरफेस इसे क्या मान रहा है, ऑब्जेक्ट। अब देखो ना रेज भी इधर जा रही है, ऑब्जेक्ट भी इधर है, तो यू इस केस में क्या होगा, +30। क्लियर है, रेडियस इसका राइट की तरफ है, तो 30 में से 15 गया डायमीटर, 15/2 क्या है रेडियस, और वो भी +15/2, क्योंकि सेंटर कहां मिलेगा, टुवर्ड्स राइट। तो ये पॉइंट क्लियर है, यू की वैल्यू 30 है, आर की वैल्यू +15/2, म्यू वन म्यू टू छोटा बड़ा, छोटे वाला 1, बड़े वाला 1.5, रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। जब तुम रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला लगाओगे, म्यू वन म्यू टू पुट करोगे, U को +30, इस बार -30 नहीं, +30 पुट करोगे, R को प्लस पुट करोगे, तो V प्लस आएगा 15। इमेज यहां पर +15 पे बन रही है, और यहां से +15 तो ये बना,
तो इसलिए इमेज यहाँ आके बन रही है, ये बना इसका पूरा रे डायग्राम। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि अगर ये रे डायग्राम कंप्लीट करने को भी कहे और आपको आधा डायग्राम दिखाए तो तुम पूरा डायग्राम कैसे ड्रॉ कर दोगे इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या लग रहा है। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि इसने इमेज को शिफ्ट किया, तो इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव है, बाकी तो सेम क्वेश्चन है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन एक, क्वेश्चन है ये एक फ्लास्क है, इसमें एयर है, देखने वाला बंदा यहाँ बैठा है, एयर में बैठा है, और पानी से रेज आ रही हैं। तो पानी से रेज आ रही है कहाँ से? इन्फिनिटी से। तो मुझे ये पता लग रहा है रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, पॉइंट नंबर वन। और म्यू वन म्यू टू आपको छोटे वाला म्यू वन ले लेना, बड़े वाला म्यू टू ले लेना, 4/3। म्यू वन तो वन है। अब यू कितना है? इन्फिनिटी। क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि इमेज कहाँ बन रही है, कुछ डायग्राम चाहिए ही नहीं। म्यू वन म्यू टू पता है, यू इन्फिनिटी पता है, आर इसका राइट की तरफ दिख रहा है मुझे, तो आर तो वैसे ही पॉजिटिव है। रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेरर है, डेंसर टू रेरर का फॉर्मूला लगा लो और 1/∞ जीरो कर लो, वी की वैल्यू आ जाएगी -22.5। माइनस का मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं मेरी इमेज है, तो अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे तो इमेज मेरी लेफ्ट पे, तो वर्चुअल इमेज है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये नॉर्मल से अवे जा रहा है, तो ये यहाँ आके मिलने वाला है। अगर रे डायग्राम कंप्लीट करने को आए तो, वैसे आएगा नहीं, ये गिवन होता है डायग्राम, हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना होता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है। जैसे फिगर शोज अ ग्लास स्लैब, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं स्ट्रेट का मतलब यू इन्फिनिटी है। आपको ये बताना है कि म्यू टू की वैल्यू क्या हो और ये कौन सी रेज हैं। पैरेक्सियल रेज हैं, पैरेक्सियल रेज का होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी नज़दीक चलती हैं। फाइंड म्यू टू सो दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल रेज विल कन्वर्ज एट एंड बी। मैं चाहता हूँ ये रेज कहाँ मिले? बी पे मिले। तो ये पोल है, यू इन्फिनिटी है, वी क्या है? ये डिस्टेंस है। अगर रेडियस 10 है तो डायमीटर कितना? 20 है, तो यू इन्फिनिटी है, वी प्लस 20 है क्योंकि ऑन दी अदर साइड है, और रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, यू इन्फिनिटी है, वी प्लस 20 है, रेडियस प्लस 10 है, उसका सेंटर राइट मिलेगा, और रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला लगाना, सारी वैल्यूज गिवन है, म्यू टू ने गिवन, म्यू टू निकाल लेना। हाँ माइनस इन्फिनिटी, फर्क नहीं पड़ता ना इन्फिनिटी को,
वो 1/∞ जीरो ही होता है ना। हाँ तो तुम जो मर्जी लगा लो फर्क नहीं, इन्फिनिटी में कोई चक्कर नहीं। वैसे यहाँ टेक्निकली स्पीकिंग माइनस इन्फिनिटी है, पर फर्क नहीं पड़ता इन्फिनिटी में, इसलिए फर्क जो मर्जी डाल दो। देखो के अंदर एक स्फेरिकल सरफेस है। वो कह रहा है कि एक स्फेरिकल सरफेस ऐसा है, म्यू वन म्यू टू मैंने आपको दे दिया, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा और बताओ कहाँ रखें ताकि
ताकि इसमें से आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज पैरेलल हो जाए। पैरेलल होने का मतलब वी इज इन्फिनिटी, यू आपको निकालना है, वी इन्फिनिटी म्यू वन म्यू टू पता है, और रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो यू निकालना है, वी इन्फिनिटी म्यू वन म्यू टू पता है, रेडियस राइट की तरफ है कर्व सरफेस का पॉजिटिव, रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर लगाओ, वन बाई इन्फिनिटी जीरो है, यू निकाल लेना, और यू में बिल्कुल साइन कन्वेंशन पुट नहीं करनी कि यू निकालना है, तो यू ऑलरेडी विद साइन कन्वेंशन ही आएगा, ठीक है यहाँ तक। और एक ये क्वेश्चन, चूज अ ग्लास हेमिस्फेयर प्लेस्ड ऑन अ वाइट पेपर। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास ना एक हेमिस्फेयर है, ये देखो आपके पास एक हेमिस्फेयर है कुछ ऐसे, ये रहा आपका एक हेमिस्फेयर, ठीक। जैसे घर जब घर बनते हैं तो वो कटआउट छोड़ देते हैं नेचुरल लाइट के लिए, ऐसा एक हेमिस्फेयर है। अब यहां से एक नेचुरल लाइट आ रही है ऊपर से, ऐसी ऐसी लाइट इसके ऊपर आ रही है, और लाइट जो आ रही है ना उसका जो डायमीटर है वो क्वेश्चन में गिवन है डी, डी डायमीटर पे लाइट गिरती है। अब लाइट इसमें एंटर करती है, लाइट की रिफ्रैक्शन हो जाती है, लाइट बेंड हो जाती है और यहां पे नीचे गिरती है, यहां पे आपको बताना है कि यह डायमीटर क्या होगा डी डैश, क्योंकि वाइट पेज है नीचे जिसके ऊपर ये हेमिस्फेयर है तो वो पूरा मिल नहीं पाएगी, वो किसी पेज पे ऊपर गिरेगी, तो उसका डायमीटर क्या है सर्कल लाइट का ये बताओ, वो स्पॉट बनेगा। तो सबसे पहली चीज, इसमें जो पोल है ये इसका पोल है, रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, म्यू टू चेक करना कितना है, 3/2, ये लो, तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। और यू की वैल्यू क्या है इसमें, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। अब रेज जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर में जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक, मेरे को इसके अंदर वैल्यू पता है म्यू वन की, मेरे को वैल्यू पता है म्यू टू की, म्यू वन म्यू टू की, यू को इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी जीरो, और मैं यहाँ से वी जब निकालूंगा तो मेरा वी कितना आ रहा है, 3R, चेक कर लूँ एक मिनट, तो मेरा वी, हाँ 3R, तो मेरे पास जो वी की वैल्यू आएगी वो 3R है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये आर है, 3R यहाँ मिलेगा, ये देखो ऐसे बनेगा डायग्राम, ऐसे ये रहा, तो ये पोल है, इस पोल से यहां तक इमेज बनेगी और ये कितना है 3R, मतलब बननी चाहिए, मतलब ये स्फेरिकल सरफेस ने यू इन्फिनिटी मान के इमेज को यहां बनाना चाहा पर वो बन नहीं पाई क्योंकि बीच में ग्लास स्लैब खत्म हो गई और वाइट पेपर आ गया, तो यहां पर इमेज बनती है। आपको क्या बताना है, ये डायमीटर डी बताना है और आपको ये ऊपर का डायमीटर डी पता है, सिमिलैरिटी लगेगी इसमें, सिमिलर ट्राइंगल्स, ये देखो एक ट्राइंगल ये बड़े वाला लो, ये वाला और ये वाला, दूसरा ट्राइंगल छोटे वाला ट्राइंगल लो, बड़े ट्राइंगल की हाइट कितनी 3R, छोटे ट्राइंगल की हाइट ये 3R है, ये छोटे वाला R है, तो बचा कितना 2R, तो दोनों ट्राइंगल्स की हाइट बड़े बाई छोटे की हाइट
बड़े का डायमीटर बाई छोटे का डायमीटर सॉल्व करके डी डैश निकाल लेना आंसर, तो सिमिलैरिटी के साथ आंसर निकालना पड़ेगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस की ये प्रॉब्लम कैसे होगी, ठीक है यहाँ तक, और इमेज फाइनल कहाँ बनेगी और क्वेश्चन कैसे करना है ये मैंने किया भी हुआ है, इसमें आप चेक भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा।